कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, इस कहावत को सही साबित कर दिखाया झुंझुनू के विमल खंडेलिया ने, जिनका अंटार्कटिका में आयोजित होने वाली क्लाइमेट फोर्स के लीडरशिप ऑन द एज अभियान के लिए चयन हुआ है, जिसमें दुनिया भर के 80 प्रतिभागी हिस्सा लेने वाले हैं, जो जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और ऊर्जा उपयोग के मुद्दों पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों के नेतृत्व में अभ्यास के साथ विभिन्न हिस्सों को सुरक्षित रखने के उपायों की खोजबीन करेंगे। ये अभियान 5 से 16 नवम्बर तक चलाया जाएगा। मयंक खंडेलिया के इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि मयंक खंडेलिया 2012 में साउथ एशियन यूथ कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा रह चुके हैं। मेरा अभी अंटार्कटिका एक्सपीडिशन 2020 के लिए सिलेक्शन हुआ है इन रॉबर्ट स्वेंस एक्सपीडिशन। अभी पूरी दुनिया से 80 लोग अंटार्कटिका एक्सपीडिशन के लिए जाएंगे, जिनमें से मैं भी एक हूँ। इससे पहले मैं 2012 में पाकिस्तान गया था साउथ एशियन यूथ कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे सार्क नेशंस के यूथ हम लोगों ने पीस, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात करी थी, एंड आगे आपस में यूथ आके जो साउथ एशियन नेशंस हैं ये आपस में कैसे कोलैबोरेट करें, कैसे हम लोग आगे पीसफुली जाएं, उसके लिए हमने कहा।